हेलो फ्रेंड्स, मैं शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स मुझसे बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि सर स्कैपुलर ह्यूमरल रिदम के बारे में हमें समझाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाएंगे स्कैपुलर ह्यूमरल रिदम क्या होती है, इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है हमारी बॉडी में, और स्कैपुलर ह्यूमरल रिदम के अंदर क्या चीज़ का रेशियो कितना होता है। तो पूरा सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम, जिसको भी ग्लीनो ह्यूमरल रिदम के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों इसको डिस्कवर किया था कॉडमैन ने 1930s में। तो बेसिकली स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम क्या होती है? दोस्तों, जब हम हमारे शोल्डर के अंदर हमारे आर्म को एबडक्ट करते हैं, यानी कि साइड से ऊपर उठाते हैं, तो जो मूवमेंट होता है उसमें शोल्डर एबडक्शन की जो रेंज होती है वो होती है 180 डिग्री। जब हम हमारे हाथ को, आर्म को साइड से ऊपर उठाते हैं, एबडक्शन करते हैं, उसकी रेंज होती है 180 डिग्री। तो जो ये 180 डिग्री रेंज होती है, ये कैसे आती है? बेसिकली स्कैपुला का रोटेशन होता है, 60 डिग्री स्कैपुला का रोटेशन और साथ में ह्यूमरस का 120 डिग्री रोटेशन होने के बाद ये रेंज कंप्लीट होती है 180 डिग्री में। यानी कि जो एबडक्शन 180 डिग्री होता है शोल्डर का, उसके अंदर जो स्कैपुला है उसके रोटेशन से 60 डिग्री अचीव होता है और ह्यूमरस के ग्लिनोइड कैविटी पर रोटेशन से 120 डिग्री आपको अचीव होता है। यानी कि स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम के अंदर स्कैपुला और ह्यूमरस का जो रोटेशन होता है वो 1:2 के रेशियो में होता है। यानी कि स्कैपुला का रोटेशन 60 डिग्री होता है और ह्यूमरस ग्लिनोइड कैविटी पर रोटेट करती है 120 डिग्री, तब जाके आपके शोल्डर जॉइंट पर आपको 180 डिग्री रेंज ऑफ मोशन मिलता है एबडक्शन के अंदर। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम काम करती है। अब बात करते हैं कि जो स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम होती है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि भाई ये स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम का बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों, ये दो पर्पज़ हमें सर्व करती है। पहला पर्पज़ कि ये जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है और हमारा ह्यूमरस होता है, उसके बीच में इम्पिंजमेंट नहीं होने देती। यानी कि जब दो बोन साथ में रोटेट करती है, यानी कि स्कैपुला का जो रोटेशन होता है और साथ में जब ह्यूमरस का ग्लिनोइड कैविटी पे रोटेशन होता है, उससे एक्रोमियन और ह्यूमरस के बीच में इम्पिंजमेंट प्रिवेंट होता है। ये दो बोन के बीच में जो आर्थ्रोकाइनेटिक मूवमेंट होता है उसको लिमिट करती है। दूसरा पर्पज़ ये क्या सर्व करती है कि जो ग्लिनो ह्यूमरल मसल्स है, यानी कि ग्लिनोइड कैविटी के सराउंडिंग में और ह्यूमरस के सराउंडिंग में जो मसल्स है, उनको ज़्यादा शॉर्टन नहीं होने देती, जिससे क्या होता है कि एक लार्ज सस्टेनेबल आपको फोर्स जनरेट होता है जो कि नेसेसरी होता है लार्ज पोर्शन ऑफ रेंज ऑफ मोशन के लिए। तो ये दो पर्पज़ हमें सर्व करती है स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। तो दोस्तों, बेसिकली स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम क्या है? बेसिकली ये एक ऑप्टिमल फंक्शन प्रोवाइड करती है इन रिलेशन टू स्कैपुला एंड ह्यूमरस। यानी कि स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में जो रिलेशन है, ऑप्टिमल फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये हमें स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम से पता चलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर स्कैपुला की पोजिशन इन रिलेशन टू ह्यूमरस अगर चेंज होती है, तो आपकी स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम के अंदर डिसफंक्शन आ जाएगा। यानी कि जो स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम है वो बिगड़ जाएगी, जिसको कि हम बोलते हैं स्कैपुलर डिस्काइनेसिया। यानी कि अगर स्कैपुला का रोटेशन आपकी पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पे प्रॉपरली नहीं होता है, यानी कि जो 60 डिग्री स्कैपुला रोटेट नहीं हो पाता है, तो ये आपकी स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम को बिगाड़ देगा, जिसको कि हम बोलते हैं स्कैपुलर डिस्काइनेसिया। तो दोस्तों, बेसिकली आज की वीडियो में आपको बताया स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम क्या है। बेसिकली स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम जो कि आपके स्कैपुला के रोटेशन से और ह्यूमरस के रोटेशन से ग्लिनोइड कैविटी में जो रेंज आपके आर्म को मिलती है एबडक्शन के अंदर 180 डिग्री, उसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।